नमस्ते, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भिंडी टमाटर और पनीर की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ 10-12 भिंडी ली है, जिसको मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं, जिसको भी मैंने यहाँ पर 4 टुकड़ों में कर लिया है। 3 से 4 मैंने यहाँ हरी मिर्ची ली है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। 1 पीस मैंने अदरक लिया है, जिसके यहाँ पर मैंने टुकड़े कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने ये 2 आलू लिए हैं, जिसको इस प्रकार से लंबा लंबा काट लिया है। और 1 बड़ा पनीर लिया है, जिसके मैं बाद में छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। और मैंने यहाँ पर ये मसाला लिया है। मसाले में मैंने यहाँ पर जीरा, लाल मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी लिए हैं। और गरम मसाले लिया है, गरम मसाला मैं आवश्यकता अनुसार डालूंगी। और 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी लिया है, जो मैं आवश्यकता अनुसार लूंगी। और 1 बटर लिया है, मैं यहाँ पर बटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई को चढ़ा दिया है, और अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। गैस मैंने ऑन कर दी है, और अब मैंने इसके अंदर ये वाला बटर डालूंगी। मैं बटर डालूंगी, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 बटर डाल दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर भिंडी को और आलू को और टमाटर को तलूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये आलू इसमें डाल दिए हैं, और 2 से 4 मिनट में इसको तलूंगी। इन आलू को जो मैंने डाला था, तो ये लगभग भुने को है, और मुझे इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। इस तरह से मैं आलू हो चुके हैं, अब इनको बाहर निकाल दूंगी। आलू हो चुके हैं, अब मैं भिंडी को भी इस तरह से तल लूंगी। इसको भी थोड़ा सा हल्का ही फ्राई करना है, और इसको भी फिर बाहर निकाल लूंगी। भिंडी हमारी लगभग आधा पक्का हो चुका है, और अब इसको बाहर निकाल देंगे। इसे पूरा पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। तो आलू और भिंडी को मैंने बटर के अंदर हल्का हल्का फ्राई कर लिया है, तल लिया है, और अब मैं टमाटर इसके अंदर डालूंगी। तो मैंने टमाटर भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और हरी मिर्ची को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि मैं हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक को मिक्सी में पीस लूंगी। तो इसलिए मुझे इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। और 2 मिनट के लिए मैं टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक को ढक के रख दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर भी हमारा थोड़ा सा नरम हो गया है, और अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दूंगी। तो इस प्रकार से मैं सारे टमाटर को इसके अंदर, और हरी मिर्ची को, अदरक को इसके अंदर डाल दूंगी, और इसे बारीक पीस लूंगी। तो हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, अब मैं इसमें जरा सा पानी डाल दूंगी और इसको पीस लूंगी। तो मैंने पनीर को भी इस पैन में डाल दिया है, और हल्का सा मैं इसको फ्राई करूंगी, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा। तो पनीर हमारे हल्के से लाल और ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। तो इस प्रकार मैंने भिंडी को, आलू को और पनीर को
बटर में तल दिया है, और अगर आप चाहें तो इसको घी में भी तल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर में तला है। अब मैंने वापस ये पैन चढ़ा दिया है और अब मैं इसके अंदर बटर डालूंगी। मैंने कम से कम आधा बटर इसके अंदर डाल दिया है और ये जब पिघल जाएगा तब मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया है, पिघल गया है, और अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डालूंगी। तो जीरा हमारा हो चुका है और अब मैंने जो मिक्सी में ये टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल दूंगी। ग्रेवी को थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि जैसे जैसे ये उबलेगी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ग्रेवी हमारी उबल गई है और अब मैं इसके अंदर एक चम्मच लाल मिर्ची का डाल दूंगी और आधा चम्मच में यहाँ नमक डालूंगी और एक चम्मच में यहाँ धनिया पाउडर डालूंगी और आधा छोटा चम्मच हल्दी। ये हल्दी भी इसमें डाल दूंगी, इसको आपस में हिला दूंगी। अब मैं आलू इसके अंदर डाल दूंगी और फिर इसको चला दूंगी। याद रखना है आलू डालना है, पनीर डालना है, लेकिन आपको भिंडी के इसके अंदर अभी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और भिंडी डालने से वो चिकना हो जाएगा, इसलिए हम भिंडी को सबसे लास्ट में डालेंगे। अब ये पनीर भी इसमें डाल दूंगी क्योंकि हमारे आलू 2-3 मिनट से पक रहे हैं और अब मैं इस पनीर को भी इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से इसको हल्के हाथों से हिलाना है वरना हमारा पनीर टूट जाएगा, और 2-4 मिनट इसको अब पकने देंगे। तो आलू हमारे लगभग हो चुके हैं और इसमें से बटर ऊपर आने लगा है और अब हम भिंडी को इसके अंदर डालेंगे। याद रखना है भिंडी को पहले नहीं डालना है, भिंडी को सबसे लास्ट में डालना है। मैं सारी भिंडी को इसके अंदर डाल दूंगी और हल्के हाथों से इसको चला देंगे और 2 मिनट के बाद इसको बंद कर देंगे। इसको हल्के हाथों से चला देंगे। तो हमारे आलू, टमाटर और भिंडी की जो ये रेसिपी है बनकर तैयार है और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला आपको आवश्यकता अनुसार ही डालना है। गरम मसाला मैंने डाल दिया है और अब इसको पूरी तरह से हिला के और गरम गरम रोटी या पूरी के साथ आप खा सकते हैं। याद रखना है भिंडी को आपको सबसे लास्ट में डालना है। तो इस प्रकार ये मेरी मिक्स वेज मसाला पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है और ये मैंने बनाई है और ये मेरी खुद की रेसिपी है और आप इसे जरूर बनाएं। और बनाते समय बस ये ध्यान रखना है कि आपको